सीटें जहां आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज पहुंचेंगे रामपुर। सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए करेंगे जनसभा। किले के मैदान में है जयंत की चुनावी जनसभा। जनसभा से सपा नेता आजम खां भी मौजूद रहेंगे। तो रामपुर का आज खास दौरे पर है जयंत चौधरी भी। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रचार प्रसार करेंगे, जहां एक तरफ अखिलेश यादव भी प्रचार प्रसार के लिए रामपुर के दौरे पर रहेंगे। आसिम राजा के लिए वो वोट की अपील करेंगे, तो वहीं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का विकास दौरा रामपुर पे। और इस दौरान बड़ी जनसभा भी आयोजित की गई है, जिसमें खुद आजम खां भी मौजूद रहेंगे, जो कि रामपुर में लगातार उनका दबदबा रहा है और उन्हीं की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की वजह से रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में उनकी मौजूदगी भी महत्वपूर्ण है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, क्या कोशिशें रहती हैं सभी दिग्गजों की तरफ से ये देखना होगा। लेकिन आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों का ही आज रामपुर का खास दौरा है। इस दौरान प्रचार प्रसार की कमान आज संभालेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए सीधा रामपुर से। फहीम, क्या जानकारी? देखिए, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आजम खां मौजूद होंगे, अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। क्या आज पूरा माहौल रहेगा और किस तरीके से आज आखिरी दिन दम भरती नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आज आरएलडी अध्यक्ष का दौरा है ये बहुत खास और अहम रहने वाला है। इसकी वजह बहुत साफ सी है कि ये जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि जयंत चौधरी के आने से चुनाव के ऊपर कितना फर्क का, कितने वोट बढ़ेंगे ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि रामपुर जो विधानसभा है रामपुर विधानसभा में कोई भी जाट वोट नहीं है। जाट वोट ना होने की वजह से बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता दिखेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से ये गठबंधन के साथी हैं उस साथ निभाने की वजह से आज ये किले के मैदान में आजम खां के साथ मंच साझा करेंगे। और आजम खां का जो रूप आज है, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, जो आजम खां का रूप है वो आज देखने को मिलेगा, जैसा कि परसों देखा गया था उससे भी कहीं ज्यादा आज वो अपने मुंह से आग उगलते नजर आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, इस मुकदमे का भी वो जवाब देंगे। और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर हमला किया था, उस हमले का जवाब भी आजम खां देते नजर आएंगे। तो आज की जो ये सभा है जिसमें आजम खां और जयंत चौधरी होंगे, इस सभा में बहुत खास रहने वाला है, बहुत कुछ खास रहने वाला है, बहुत बयान इसके अंदर होंगे ऐसे जो बहुत खास और अहम होंगे, देश और दुनिया की नजरें इसी के ऊपर टिकी होंगी। तो जिस वक्त भी आजम खां अब मंच से ये स्पीच दे रहे होंगे, उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें आजम खां की स्पीच पे लगी होंगी। आज आजम खां और जयंत चौधरी का जो प्रोग्राम है वो किले के मैदान में है, और किले के मैदान में आज यहाँ जनसभा होगी, और जनसभा के बाद जयंत चौधरी आजम खां के साथ शहर में घूमेंगे, और घूमने के बाद मोहल्ले मोहल्ले डोर टू डोर जाकर वोट भी मांगेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से फहीम, लोकसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव का ना पहुंचना एक वजह मानी जा रही थी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हाथ से क्यों गई सीट, लेकिन अब विधानसभा उपचुनाव की बारी है और अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, वो भी आजम खां के बुलावे पर, बड़ी बात है। देखिए बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, सही बात है। ये जो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा का उपचुनाव जो था, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ना पहुंचने की खलिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और वोटरों को रही। उसकी वजह साफ है कि कहीं जब बहुत खड़ा होता है तो टीम की स्पीड दोगुनी हो जाती है और टीम के अंदर जोश होता है। लोकसभा के उपचुनाव में बॉस गायब थे और टीम काम कर रही थी, इसी वजह से खाली यही वजह रही है कि लोगों ने आजम खां के नाम पे और समाजवादी के नाम पे वोट नहीं दिया, भाजपा की नीतियों पे और नीति पे वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट दिया और मोदी और योगी के नाम पे वोट दिया, और उन्होंने लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी को जिता दिया। बिल्कुल, और फहीम देखिए आज क्योंकि आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम दिग्गज चेहरे मौजूद रहेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।